हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेंस वाला टॉपिक है। तो इससे पहले हमने दर्पणों के बारे में देखा था, दर्पण क्या होते हैं और दर्पणों से रिलेटेड जितने भी प्रतिबिंब हमें प्राप्त होते हैं उन्हें देखा था। तो आज हम लेंसों का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लेंस के बारे में समझेंगे कि लेंस क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इनसे जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वह हमें कहाँ कहाँ पर प्राप्त किए जाते हैं तथा जो हमारे पास जो लेंस होते हैं इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो इसको आज हम समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो लेंस वाला टॉपिक है इसमें हमारा पार्ट फर्स्ट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा ताकि आने वाले जो टॉपिक है वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। और इस क्लास को देखने से पहले हमारी जो प्रकाश की में जो क्लास डल चुकी है उनको कृपया करके पहले उनको जाकर देखें ताकि ये वाला टॉपिक और भी आपको अच्छा समझ में आए। तो हम लेंस के बारे में बात करते हैं कि लेंस होते क्या है। तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, उसमें गोलीय होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसमें एक या दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, गोलीय होते हैं। यह एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं और दोनों ही पृष्ठों में क्या होती है, यह घटना घटती है। तो यह क्या कहलाते हैं, लेंस कहलाते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला हमारा उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को कॉनकेव लेंस भी कहते हैं तथा जो हमारा अवतल लेंस होता है उसको कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। हम सर्वप्रथम इसमें उत्तल लेंस को देखते हैं कि उत्तल लेंस कैसा होता है, इसके उपयोग कहाँ पर किए जाते हैं। तो उत्तल लेंस हमारा जो उत्तल लेंस होता है वो इस प्रकार की आकृति का होता है जिसमें क्या है कि जो इसका किनारे वाले जो भाग है, किनारे वाले भाग वो क्या होते हैं, पतले होते हैं तथा जो इसका बीच वाला भाग है ये कैसा होता है, मोटा होता है। तो वह लेंस जो किनारों से क्या होता है, पतला होता है तथा बीच में से क्या होता है, मोटा होता है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो इसकी विशेषता क्या होती है कि यह किनारों से पतला तथा बीच में से यह मोटा होता है। इसके बाद देखते हैं कि हम इसमें नेक्स्ट की जो हमारे पास जो उत्तल लेंस होते हैं यह क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने का या इकट्ठा करने का यह कार्य करते हैं। जिस प्रकार हमने चित्र में दर्शाया गया है कि यहाँ पर हमने अलग अलग किरणें ली है और उन्हें किरणें लेने के बाद जब हम मुख्य फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होंगे तो सारी जो हमारे पास जो किरणें ली हुई है वो F2 पर क्या हो रही है, हमें फोकसित हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारा जो उत्तल लेंस है ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने का यह कार्य करता है। यह प्रकाश के किरणों को केंद्रित करने के कारण ही इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है किसी प्रकाश को केंद्रित करना। तो यहाँ पर यह प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने का कार्य करता है, इसलिए इस लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी इसे कहा जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग हम दूरदृष्टि दोष में इनका उपयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष में केवल व्यक्ति को दूर की वस्तु आसानी से दिखाई देती है जबकि निकट की वस्तु आसानी से दिखाई नहीं देती है। तो दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को केवल दूर की वस्तु ही स्पष्ट दिखाई देगी जबकि निकट की वस्तु उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि अवतल लेंस कॉनकेव लेंस जिसे भी कहते हैं हम, तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के लेंस में जो किनारों से तो क्या होता है, यह मोटा होता है जबकि जो मध्य में यह कैसा होता है, पतला होता है। तो इसकी विशेषता क्या होती है कि वह लेंस
कि वह लेंस जो किनारों से तो कैसा होता है, मोटा होता है, तथा जो मध्य में कैसा होता है, यह पतला होता है। तो अवतल लेंस किनारों से मोटा तथा बीच में पतला होता है, इसकी क्या होती है, यह विशेषता होती है। तो यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर प्रकाश की किरणों को यहाँ पर रखा हुआ है, दो प्रकाश की किरणें हमने आपतित करवाई है, तो जब इसका परावर्तन की घटना होगी, ये गुजरेगी, तो ये कहाँ से हमें गुजरती हुई दिखाई देगी, तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, बिखेरने का यह कार्य करता है। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को बिखेरने का कार्य करता है। प्रकाश की किरणों को बिखेरने के कारण ही इस लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। जबकि यदि जो हमारा उत्तल लेंस था, यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, केंद्रित करने का यह कार्य करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो हमारे पास जो अवतल लेंस है, यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है, और फैलाने के कारण ही इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि जो अवतल लेंस होता है, इसका उपयोग हम निकट दृष्टि दोष के निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष में केवल व्यक्ति को, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को केवल निकट की ही वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु ही स्पष्ट दिखाई देगी, जबकि दूर की वस्तु से स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, जिसे हम नोट के नोट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि जरा दृष्टि दोष के उपचार में ड्यूफोकसिल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति की उम्र के साथ उसे रोग जाता है, उसे जरा दृष्टि दोष जिसमें निकट और दूर दोनों ही दिखाई नहीं देते हैं, तो उसमें जरा दृष्टि दोष होता है। और जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम ड्यूफोकसिल लेंस का उपयोग करते हैं। ड्यूफोकसिल लेंस में क्या होता है, ऊपर वाला भाग इसमें अवतल उत्तल लिया जाता है, तथा नीचे वाला भाग इसमें अवतल लिया जाता है। तो ड्यूफोकसिल लेंस में दोनों, एक तो इसमें उत्तल लेंस का होता है और दूसरा इसमें अवतल लेंस का होता है। तो इसमें जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम ड्यूफोकसिल लेंस का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि अबिंदुता दोष के लिए हम बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अबिंदुता जो रोग हो जाता है व्यक्ति में, उसके निवारण के लिए हम बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है, यह देखते हैं कि लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र, या लेंस की क्षमता क्या होती है। तो पी बराबर 1/f लेंस की क्षमता का हमारे पास ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यहाँ पर P पावर क्षमता होती है लेंसों की, और यहाँ पर F क्या है, फोकस दूरी होती है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो लेंस की जो क्षमता का जो SI मात्रक होता है, वो हमारे पास क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंसों की क्षमता को डायोप्टर से मापते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है कि लेंसों की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो लेंसों की जो क्षमता का जो SI मात्रक होता है, वो हमारे पास क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारे पास जो उत्तल लेंस की जो क्षमता ली जाती है, वो हमारे पास कैसी आती है, धनात्मक आती है। जबकि अवतल लेंस की जो हमारे पास जो क्षमता होती है, वो हमारे पास कैसे आती है, ऋणात्मक होती है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग हमने देखा था कि अभी दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए इसका उपयोग किया जा रहा था। तो यदि कोई व्यक्ति को यदि दूर दृष्टि दोष हो जाता है, तो उसमें उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, और वहां पर जो
चश्मे की जो क्षमता होगी वहां पर धनात्मक ली जाएगी, धनात्मक नंबर उसमें लिए जाएंगे। और यदि व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें हम निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और अवतल लेंस का जब उपयोग करेंगे तो यदि कोई व्यक्ति को चश्मा लग जाता है तो उसमें क्या ऋणात्मक नंबर आएंगे क्षमता चश्मे की। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट चलते हैं कि जो उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वो हमें कहाँ कहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक सारणी बनाई हुई है जिसमें हमने एक तरफ लिखा हुआ है वस्तु की स्थिति या बिंब की स्थिति, सेकेंड स्टेप पे लिखा हुआ है हमने प्रतिबिंब की स्थिति की हमें प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, तीसरी स्थिति हमारे पास है प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार की, वस्तु का आकार कितना होगा और वस्तु की प्रकृति कितनी होगी। तो हम क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे पास लेंस लिए जा रहे हैं तो लेंस में क्या हो रहा है, इसमें दो ही तो फोकस होते हैं और दो ही इसमें क्या होते हैं वक्रता केंद्र होते हैं। तो इसमें दो फोकस F1 व F2 है। तो यहाँ पर भी ऐसे हमने दर्पण वाले टॉपिक में देखा था कि अवतल दर्पण के जब हमने प्रतिबिंब प्राप्त किए थे तो उसमें हमने पहले तो जो प्रकाश की किरण है उसको अनंत पर रखा, और अनंत पर रखा तो हमें वहां पर जो प्रकाश की किरण जो प्राप्त हुई थी वो मुख्य फोकस F पर प्राप्त हुई थी। तो हम इसमें भी देखते हैं कि अलग अलग जगह पर यदि हम वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ कहाँ पर प्राप्त होता है। तो पहले तो हम यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे उत्तल लेंसों में तो हमें जो उसकी प्रतिबिंब की जो स्थिति प्राप्त होगी वो F2 मुख्य फोकस पर प्राप्त होगी, तथा जो उसका आकार होगा वो हमारे पास बहुत छोटा प्राप्त होगा, तथा जो उसकी प्रकृति होगी वो वास्तविक तथा उल्टा हमें प्राप्त होगा। तो पहली कंडीशन यदि हम उत्तल लेंसों में बिंब को कहाँ पर रख रहे हैं अनंत पर रख रहे हैं तो हमें F2 पर वह प्राप्त होगा या उसका प्रतिबिंब F2 पर हमें प्राप्त होगा, और उसका जो आकार होगा वो हमारे पास कैसा होगा बहुत छोटा प्राप्त होगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्थिति देखते हैं कि C1 से परे यदि हम उसको C1 से पहले ही रख देंगे अनंत और C1 से पहले तो वहां पर हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो F2 एवं C2 के बीच हमें वह प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा, और उसका जो हमें आकार प्राप्त होगा वो हमें छोटा प्राप्त होगा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। नेक्स्ट स्थिति देखते हैं कि जब हम यदि C1 वक्रता केंद्र पर रख देते हैं तो हमारे पास जो इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो C2 पर प्राप्त होगा। जब हमने दर्पण वाला जब अवतल दर्पण में इसकी स्थिति देखी तब भी हमें यही स्थिति इस पर प्राप्त हो रही थी कि यदि हम प्रतिबिंब को यदि वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो हमें उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है और उसकी जो आकार होगा वो समान आकार का हमें प्राप्त होगा। तो यदि हमने C1 पर रखा है तो हमें जो इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो हमें C2 पर प्राप्त होगा, तथा जो हमें इसका और कैसी जो आकार इसका कितना होगा बराबर होगा बिंब के आकार का ही हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा और वास्तविक वह उल्टा हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट स्थिति देखते हैं कि यदि हम बिंब को C1 तथा F1 के बीच रखते हैं तो हमें यह वाला जो इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो C2 से परे प्राप्त होगा, तथा जो इसका आकार होगा वो बड़ा प्राप्त होगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसके बाद इसकी नेक्स्ट स्थिति देखते हैं कि यदि हम बिंब को F1 पर रख देते हैं तो F1 पर रखेंगे तो हमें जो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति वो प्राप्त होगी वो हमें अनंत पर प्राप्त होगी, क्योंकि अभी हमने जब किरणों वाला जब टॉपिक पढ़ा था तो उसमें क्या देखा था किरणों से रिलेटेड उनके नियम देखे थे कि यदि हम कोई प्रकाश की किरण को अनंत से दर्पण पर आपतित करवाते हैं तो वह मुख्य फोकस से गुजरेगी, और यदि हम कोई प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस से
आपतित करवाते हैं तो वह गुजरती हुई हमें अनंत पर प्राप्त होगी। तो इसमें यही है बस कि F1 रखेंगे, F1 पर रखेंगे तो हमें यह अनंत पर प्राप्त होगी। और जो इसका प्रतिबिंब, जो इसकी प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो बहुत बड़ी और वास्तविक और उल्टी प्राप्त होगी। इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि यदि हमारे पास ओ एवं F1 के बीच रखा जाए इसको, तो हमारे पास जो इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो लेंस की और ही जिस और वस्तु स्थित है, और आवासीय सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्राप्त होगा। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि लेंस सूत्र क्या होता है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में सिर्फ थोड़ा अंतर है, यहाँ पर तो सिर्फ माइनस आता है और वहां पर प्लस आता है। तो 1/B - 1/U = 1/F, यह हमारे पास किसका सूत्र होता है, लेंस सूत्र होता है, जहां पर F हमारी क्या है, फोकस दूरी है, U हमारे पास क्या है, वस्तु की दूरी है, B हमारे पास प्रतिबिंब की यहाँ पर दूरी है। यदि हम इसमें इस सूत्र में इनका मान रख देते हैं तो हम दो वैल्यू दी हुई है तो एक वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। और इसी प्रकार की हमारी वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।